नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक अंतर बताने वाला हूं आपको, वो है नॉलेज बोल और मनी बोल में अंतर। नॉलेज बोल को हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान का कटोरा, और मनी बोल को बोलते हैं धन का कटोरा। सुनने में जब हम कटोरे वाली बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लग सकता है कि चूंकि बोल को हम हिंदी में कटोरा बोलते हैं। तो अब बात आती है, अक्सर कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि नॉलेज बोल और मनी बोल को वो एक सा समझ लेते हैं, जबकि नॉलेज बोल अलग है, ज्ञान का क्षेत्र अलग है, धन का क्षेत्र अलग है। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इन दोनों को हम पहचाने कैसे। तो आइए आपको समझाते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, आपको बताता हूं कि आखिर नॉलेज बोल क्या है और मनी बोल क्या है। देखिए, अगर कोई भी लेटर, ये मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, अगर अंग्रेजी में आपके सिग्नेचर में कहीं पर भी कुछ इस तरह से लेटर आ रहा है, आप देखिए यहां इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और यहां बहुत कम हो गई, यहां दूरी बहुत ज्यादा है और यहां दूरी कम हो गई, यानी कि कुछ वी और लगभग थोड़ा सा आप देख सकते हैं नीचे कर्व लिया है, लेकिन इसका मुंह खुला हुआ है ये इस तरह से। तो अगर इस तरह से कोई भी चीज बन रही है तो ये आपका मनी बोल कहलाता है, धन का क्षेत्र कहलाता है। आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि आखिर मनी बोल किन के सिग्नेचर में दिखता है और जो हमारा नॉलेज बोल है किन के सिग्नेचर में दिखता है, बताता हूं। उसके बाद आपको समझाता हूं नॉलेज बोल क्या है। आप ध्यान दें कि सिग्नेचर में अगर किसी के लेटर में दोनों लाइन पैरेलल जा रही है तो इस तरह का जो सिग्नेचर होगा वो होता है नॉलेज बोल वाला है। ऐसा व्यक्ति के पास धन तो होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसके पास ज्ञान का भंडार होगा, ज्ञान ज्यादा होगा। ऐसे लोग ज्ञान से पैसा कमाते हैं, यानी उनके पास नॉलेज भरपूर होगी, तो इस तरह का सिग्नेचर है। दूसरी बात आपको दिखा दूं, अगर हमारे सिग्नेचर में कहीं इस तरह का सिंबल आता है, कुछ वी की तरह दिखाई दे, लेकिन यहां तक तो नॉलेज बोल तब माना जाएगा जब ये ऊपर चला जाए, यानी एक लाइन आपकी ऊपर चली जाए। जैसे यही जो थी इस, यहां तक तो ये है हमारा, देख सकते हैं ये हमारा मनी बोल है, ये मनी बोल है, लेकिन अब इसको हमने ऊपर कर दिया तो ये हमारा नॉलेज बोल हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, नॉलेज बोल और मनी बोल में क्या अंतर, अब आपको समझाता हूं। हो सकता है अभी तक आपको ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझाता हूं। विवेकानंद का साइन आप देखिए, ये है विवेकानंद जी का साइन, जो मैं अक्सर कह रहा हूं, अभी बता रहा था इस बोर्ड के माध्यम से, कि अगर आपकी लाइन दोनों लगभग बराबर जा रही है, या आप देख सकते हैं यहां वी बराबर बराबर जा रहा है, पैरेलल है, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा है ना, यानी कि गैप बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉलेज बोल। और विवेकानंद के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो ज्ञान का उनके पास एक असीम भंडार था। इसी तरह यहां पर भी मैंने वही बनाया, ये देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये लगभग उसी तरह जैसे विवेकानंद के वी में बनता है, ये बराबर पैरेलल चल रहा। उसी तरह आपको दिखाता हूं किरण बेदी जी का साइन। किरण बेदी इंडिया की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, अभी वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जब मैंने इनका साइन देखा तो मुझे भी इनके सिग्नेचर में यह नॉलेज बोल दिखाई दिया। देखिए लगभग दोनों जो लाइन है काफी दूर तक पैरेलल जा रही, हालांकि नीचे आकर के यहां पर ये मनी बोल सा बन गया, लेकिन यहां लंबे दूरी तक ये लाइन पैरेलल आ रही है और गैप बराबर है, तो इसलिए मैं इसको भी मानता हूं एक नॉलेज बोल के तौर पे। और हम जानते हैं कि ये इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करी। अब आपको दिखाता हूं लता मंगेशकर का साइन। देखिए लता दी के सिग्नेचर में आप देखिए ये भी नॉलेज बोल कहलाता है, ये दोनों की दूरी बराबर, तो ये भी हमारा नॉलेज बोल है। और हम सभी जानते हैं कि इनको संगीत के बारे में जो नॉलेज है वो हिंदुस्तान के शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसको इतनी समझ और इतनी जानकारी होगी, जो लता दी में है। अब आपको दिखाता हूं एक सिग्नेचर और, अभी उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मनी बोल का सिग्नेचर मैंने किसके सिग्नेचर में देखा। अब भगत सिंह का सिग्नेचर में भी मैं आपको दिखाता हूं वो सिंबल जो मनी बोल का ना होकर के नॉलेज बोल का है, जो कंफ्यूजन था वो यहां खत्म हो रहा है। ये देखिए भगत सिंह के सिग्नेचर में, यहां पर ये जो सिग्नेचर है आप देखिए यहां नीचे जा रहा है और ये काफी ऊंचाई तक ये चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉलेज बोल। और हम सभी जानते हैं कि उनके पास धन भी बहुत था, धन किस सेंस में, क्योंकि उनके माता पिता बहुत रिच थे और उन्होंने ज्ञान भी बहुत अर्जित किया, तो ये भगत सिंह का ये सिग्नेचर है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉलेज बोल के तौर पे दिखाई दे रहा है।
अब बारी आती है कि मनी बोल वाला सिग्नेचर कौन सा है। तो रॉबर्ट वाड्रा जी का साइन मुझे दिखाई दिया जिसमें मनी बोल प्रॉपर तरीके से बन रहा है और वो है रॉबर्ट वाड्रा का सिग्नेचर। ये आप देखिए, यहां दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और यहां पर बहुत कम हो गई, फिर यहां और कम हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मनी बोल, धन का क्षेत्र का सिग्नेचर सिंबल। तो मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा नॉलेज बोल और मनी बोल में क्या अंतर है, और आप अपने सिग्नेचर में जरूर देखें और आप जरूर उसमें पहचान करें कि आपके सिग्नेचर में ज्यादा क्या नॉलेज बोल दिखता है या मनी बोल, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी अगर आप एजुकेशन पा रहे हैं या अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सिग्नेचर में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बोल बनाइए, और जब अगर कोई आप कैरियर आपका सेटल हो चुका है, आप पैसा कमाने के क्षेत्र में हैं, तो आप नॉलेज बोल के साथ साथ मनी बोल को भी आप स्थान दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नए वीडियो में।